बस गाड़ी गरम मत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो क्या सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू महादेव व्लॉग। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ड्राइविंग सीखने के लिए, क्योंकि आज भाई घर पे था और भाई फ्री था, तो कहा कि चलो मैं आप लोगों को गाड़ी सीखने के लिए लेके जाता हूँ। सो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, मैं सानिया और रीता, क्योंकि आज मंडे है, इस वजह से भाई ने कहा कि चलो घूम लें ड्राइविंग सीखने। अरे के पास लाइसेंस है और मेरे पास भी लाइसेंस है, लेकिन फिर भी इतना हम लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता है। कुछ करेंगे अपना जो ड्राइविंग है वो सही करें, तो इसी वजह से भाई ने कहा कि आप लोगों को काम आएगा कभी किसी दिन जब इमरजेंसी होगा, तो जब मैं नहीं होगा गाड़ी तो होगा ना, आप लोगों में से किसी को जब आएगा तो वो चला सकेगा। सो सारे तुम पति हो, एक बार मैं ड्राइविंग सीख जाना फिर मैं हर रोज़ घूमे जाऊंगी, हर रोज़ गाड़ी ना किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ देखा जाएगा सानिया, जब मैं किसी को मारूंगी। जब मैं फर्स्ट टाइम सीख रही थी तो मैंने गाड़ी जाके कहाँ पे मारा था याद है? थी मुझे कभी भी मैंने सीधा, वो तो शुक्र है कि कोई नहीं था, तो इस वजह से मैं बच गई। तो मैं और बातें नहीं करूँगी, जाते हैं, लेट्स गो। रिदा भी इशारे कर रही है अपने तरीके से, तो इस पर कर रही क्या है? कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है साले की नहीं, वो क्या है इसका एसपी पर दाल में कुछ काला है ना, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है ना, मजाक में ऐसे मारती है। तकलीफ होता है, नहीं मारो सानिया। सो और बातें नहीं करेंगे, लेट्स गो, जाते हैं। फिर की कहानी मजाक कर रही हूँ। मोटा मोटा, ओ मेरी मोटा, काफी ज्यादा अपसेट है। बर्फो बर्फो बाय बाय बर्फी। और सानिया बैठी है आगे। सानिया तुम आगे बैठोगी? मुझे ना सर चक्कर आ बैठ गए और सानिया आगे बैठी है, क्योंकि सानिया का दिल ख़राब हो जाता है जब पीछे बैठती है। और पीछे रिदा बैठी है, साथ में मेरी सिस्टर और मैं बैठी हुई हूँ। सभी भाई का वेट हो रहा है आज, चैलेंज सही है। ठीक है सही है, और भाई भी आ चुका है। आज चैलेंज होगा मेरे सानिया और रिदा के बीच में, और आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन सबसे अच्छा ड्राइव करेगा। मुझे तो ड्राइविंग आती है बस। और भाई बोल रहा है कि गाड़ी में थोड़ी बहुत खराबी है, और जब भी हम तीनों बैठते हैं ना पीछे कुछ ना कुछ खराबी जरूर हो जाती है। तो अभी भाई देख रहा है कि मसला कहाँ पर है। मसला इंजन में है, पता नहीं। तो भाई देख रहा है शायद ठीक हो चुका है। पानी का मसला था, वाटर डिहाइड्रेशन का मसला था। तो भाई ने, क्योंकि सारा दिन भाई जो है वो भाई था ना, इस वजह से। सो अभी चलते हैं डैम की तरफ या गुलिस्तान टाउन की तरफ। तो
गाड़ी खबर दे रही मोटर बाड़ी कर रही ओ खुदा सादी चीज आ उन खदमा तो ये बहुत बड़ा तो मैं चिटने ना उठम चिटने से गाड़ी का दिमाग भी खराब हो चुका है ठंडे पानी की जरूरत है और ये रास्ता जाता है गुलिस्तान टाउन की तरफ गाड़ी तो गुजार रहा हूँ अवल बारिश की है सर और खरीश बोली इस टाइम जे मुर्मू पहले मेरी बारी है पहले मेरी बारी है मैं खाने था ना हाँ नाने ना माला सो भाई ने यहाँ पर रोक दिया है और सबसे पहले बारी है रिसानी की सानी शॉर्टकट में जाके यहाँ पर बैठ गई है इज्जत के साथ इज्जत के साथ आई तक से सच कुछ को हां ये राइट इट प्रेस यू नाइट हां और ये कंप्रेसर बस इन ब्रेड बन जाए सबर बोल अंकल का खो टच मिले का खो बोल अल्लाह खैर करे Compatible नहीं था यार कम से कम पास में कर दिया सही हो जी उषा सही हो जो अच्छा लगा ना मैं तो नहीं सही हो सिर्फ पास में नॉम्बर मेरे ज़ोर है मेरे ज़ोर है तो मेरे डी पे लो मेरे डी कौन है मेरे डी है यारी हाँ मैंने इस बार का बस तेरे साथ फिलहाल बोलो बस गाड़ी करम मत करो मत पुश पर पुश पर ये क्या करना नो फ्रॉम बुफंडिया केवल समुसियार कशको सियार कशको हां चल गरम भाई और गाड़ी खराब हो चुकी है मैंने अच्छा ड्राइव किया ना हां बस एहतियात करो कि हम तीनों पीछे बैठे हैं इस तरह ना हो कि मैं ना तुम तीनों को ना सीधा बाड़ में लेके जाऊंगी घूमने ये आती है यार इतना मुझे ना कॉन्फिडेंस दे दो मुझे ना हौसला अफजाई दे दो अच्छा मेरा दिल खराब नहीं करो बस गाड़ी मसला है ये गाड़ी का मसला है बंद तेल पूरा गाड़ी मसला कर रहा है यार हमारी पुटी किस्मत बोल खाना बोल छुम मैं जो वॉकिंग ताकि मां खाना मोर लूंगा पर का खरजा बोरे ना मो डायरेक्ट खाना मोर खाना हां और खाना बोर और भी जाएंगे सीधा घर आज के लिए इतना काफी आज के लिए बस इतना ही ड्राइविंग मेरा और सरिदा का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ फिर कोई बात नहीं अल्लाह खैर करे इन दोनों की रस्सी मिलेगी तो अभी थोड़ी देर के बाद हम जा रहे हैं खाला के घर तो अभी गाड़ी का कुछ मसला हुआ है तो अभी हम जा रहे हैं वापसी घर तो फिर जाएंगे खाला के घर
आज के लिए बस इतनी ड्राइविंग हुई, मैंने तो चलाया भी नहीं, क्लास वन सिर्फ सानी ने चलाया और मेरिदा का तो टाइम ही नहीं आया। मेरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब गाड़ी सही हो जाएगा दिन इसके बाद मैं भी चलाऊंगी और रिदा भी साथ में, सभी जाएंगे सीधा घर। सानी चेकअप कर रही है गाड़ी की। A few minutes later. वापस सो पता नहीं भाई आएंगे भी या नहीं, कब से बोल रहा है कि बस मैं आ रहा हूँ फ्रेश पॉइंट में वो पता नहीं, तो अम्मी बोल रही है कि जाके रिक्शा लेंगे, रिक्शे में ही जाएंगे, सो लेट हो जाएंगे, शाम भी होने वाली है, तो लेट्स गो जाते को। नहीं रुको मजाक कर रही हूँ बस, सही ठीक है, क्या कर रहे हो? टाटा बाय बाय। सो गाइस बस अभी हम जाने वाले हैं और इस बैग के अंदर मैंने रखा है सारा दुपट्टा और ये वाला जो बैग ये मैं ले रही हूँ अपने लिए, इसमें मैं अपना फेस वॉश और बाकी कुछ चीज़ें रख रही हूँ, मेकअप का सामान, और ये है रिदा का चप्पल। सानिया इतने गुस्से में है, सानिया क्या निकाल रही हो? अपना जुराब निकाल रही हो? जुराब नहीं, रुमाल है। सानिया अपनी सैंडल की सा जुराब पहनेगी वो पहली से और मेरा ये वाला है, सो मैं भी अपना सैंडल पहनती हूँ, ये रहा मेरा सैंडल बोरी। और इसको देखो क्या कर रही हो, क्या कर रही तू? ये बर्फी नहीं है, बर्फी का बच्चा तो मोटा। सानिया का फाइनल लुक, और सानिया तुम भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, तुम्हारी आंखें प्यारी प्यारी सब इसकी अच्छी लग रही है। ये इसके साथ मैच नहीं हो रहे हैं ना? नहीं, तुम्हारे दुपट्टे के साथ मैच हो रहा है। हाँ, लेकिन ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा। लेकिन अच्छी लग रही हो, पता नहीं। और इन लोगों को देखो, और यहाँ पर हम सब लोग वेट कर रहे हैं बाइक का, वेट कर रहे हैं, और पता नहीं कि बाइक कब आएंगे। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, बाइक आ चुका है, भाई जा रहा है और साथ में अम्मी भी फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि हमारा रवाज है कि हम लोग खाली हाथ नहीं जाते हैं, और भाई और अम्मी के साथ साथ रिदा भी गई है फोटो सेशन के लिए।
और पता नहीं कि अम्मी क्या लेके आएगी, शायद मैं भी केला या तरबूज तो साथ में सेब वगैरह भी। सर में दर्द है, रोशनी के सर में दर्द हो रहा है क्योंकि गर्मी नहीं सुबह से। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं खाला के घर और सानी की तबीयत खराब हो रही है। सलाम 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 رفتم تربوز آوردم در بالاخانه فریزشتم یخش نه آن من تربوز آورده تو تربوز آورده خیلی بس یک دیگه خدا خبر بودم دیگه ای عذاب شدیم بخدا خیلی شما عذاب شدیم نه نه ما با تربوز آورده نه تربوز آورده بلده ای نه کنی بلده شما دیگه تو میوه روز نه امی چه من خوب تربوز شما نسته که خون خوب شد सो गाइस अभी खाला की बेटी हमारे लिए लेके आई है तरबूज। तो गर्मी का मौसम है और तरबूज खाने का मज़ा ही कुछ और है, तो अभी खाएंगे। तो किस किस को पसंद है तरबूज वो लोग मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में, और सानिया को तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। टेस्टी है सानिया, सभी बिस्मिल्लाह करके खाते हैं। और अभी खाला आई है बाजार से, शॉपिंग करने गई थी। شما بشی نامی؟ نامی خداش، نامی خدا، نامی خداش نه از خدا تو کلام کنه نه 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 ماشالله یک چای دی فل او خوبه مرده او درون جا مورده او نامی خداش ای بسم الله ماشالله خاله چی چیم گفتیه؟ خانیش ما با چشمای خزامت کردیم امیر رو را بچو سایه سایه اون خیر دارم بگم های ترکی بچه ما بور سانیا خوبی جان تو چون بخیر خوبی 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 ये सारे अफगानी ड्रेसेस है और हज़ारगी ड्रेसेस, जो कि अभी ये सारा जो ऑर्डर है ये डन हो चुका है। तो सबसे पहले ये और एड्रेस दिखाऊंगी,
ये पिंक ड्रेस में है। मैंने आप लोगों को अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि जो मेरा कज़न है वो ऑनलाइन काम करती है ड्रेसेस का, जो कुछ भी बाहर से जो लोग के वो मंगवाते हैं सामान बेचते हैं। सो ये रहा पहला ड्रेस। और ये रहा दूसरा ड्रेस। अभी मैं ये शॉपर में से नहीं निकाल सकती क्योंकि ये फुल फाइनल पैक हो चुका है। तो ये रहा तीसरा ड्रेस, ब्लू कलर में है। मुझे इन सब ड्रेसेस के बारे में इतना आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। जो लोग भी ऑर्डर करना चाहे मैं वीडियो के स्क्रीन पे नंबर दे दूँगी, तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो। और ये रहा ग्रीन कलर में। ये दोनों सेम ड्रेस है। ये ब्लू में है और ये वाला ग्रीन में है। और पीछे ये रहा इसका दुपट्टा, ये रहा इसका फ्रंट। आप लोग देख सकते हो कि कितना प्यारा ड्रेस है। और ये रहा रेड कलर में। और ये रहा ब्लू कलर में। और ये रहा दूसरा ड्रेस ब्लू कलर में। ये भी हाथ की कढ़ाई है, ये हाथ का बना हुआ ड्रेस है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा ड्रेस है और कितना प्यारा काम हुआ है इस पर। तो ये रहा दूसरा ड्रेस ग्रीन कलर में। और ये रहा इसका शलवार, ये भी हाथ का बना हुआ है। तो हाथ का जो बना हुआ ड्रेस है काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, पता होगा। और ये भी हाथ का बना हुआ ड्रेस है। ये इनका जो प्राइस है 50 से लेकर लाख तक है। ये भी इसका शलवार है, ये रहा। तो ये जो सारा ड्रेस है ना, ये डन हो चुका है और ये लेके आया है शॉप से, और इंशाल्लाह ये TCS होगा। देख सकते हो कि कैमरे के पीछे का सूरत हाल। और अभी ये जो सब ड्रेसेस ही दोबारा से पैक होगा, तो इंशाल्लाह ये सब ड्रेसेस इंशाल्लाह कल ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट होगा। ये सब ड्रेसेस एक ही कस्टमर का है ना, बोल बोले। सो अभी हम जा रहे हैं एक घर। और ये रही सानिया। बस बस खैर खाले जगह दस इंशाल्लाह। A few moments later. रूम का जो दरवाजे वो बंद हो चुका है, तो अभी चाबियां रहे हैं, अल्लाह करे कि हमें मिल जाए, अल्लाह करे। सो शुक्र है कि हमें मिल गई है। और ये मिरर भी खैर से मैंने तोड़ा है।
मोटा बबर शेर, इसका नाम है बबर शेर। बबर शेर क्या हुआ? और ये पर्दे के साथ खेल रही है। इसके नेल्स काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, काटना पड़ेगा। बर्फी बेबी